दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम रवि तोमर, यू वॉचिंग ऑटोस्पोर्ट इंडिया। तो भाई आज अपन चल रहे हैं अपने 3XO की फर्स्ट सर्विस कराने, जो कि 2000 किलोमीटर हो चुकी है, 2046 किलोमीटर हो चुकी है। और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कितना खर्चा आने वाला है, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है महिंद्रा में। तो 9 बजे का टाइमिंग दिया था, अभी हो रहे हैं 8:37 और 9 बजे तक अपने पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। एंड आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा रहा है अभी तक, माइलेज वो सब है। कुछ इस तरह से माइलेज 13-14 से ज़्यादा का मुझे कभी सो ही नहीं किया है। मैक्स 14.3 तक 4 तक पहुंचा था एक बार, क्योंकि हाईवे पे कुछ रनिंग हुआ नहीं है। जो भी गाड़ी चली है कंप्लीट सिटी में चली है और हाईवे पे नहीं चली है अभी ज़्यादातर। पहले हम शोरूम पे आ गए हैं, अभी देखिए 2061 किलोमीटर, 13.2 का माइलेज, और देखते हैं अभी 9 बज गए हैं, सर्विस पे नंबर लगाते हैं और उसके बाद में बताते हैं आपको क्या प्रोसीजर है। तो अभी सर्विस पे लगा दिया नंबर और अपन बैठेंगे अंदर। सर्विस अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फ्री सर्विस थी। और ये देखिए अभी वॉश भी हो चुकी है, थोड़ा क्लीन हो रहा है क्योंकि ब्लैक कलर है तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है। देखिए डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ से निकल के, अभी आपको दिखा देते हैं व्हीकल, गाड़ी कुछ तरह से है, क्लीन वगैरह हुआ है, वॉशिंग वो सब। सर्विस के बाद ड्राइविंग की बात करूँ तो इतना कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली जनरल चेकअप होता है, कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं होते हैं। और अभी मैं शोरूम से निकल चुका हूँ, अभी चल रहे हैं घर। तो रास्ते में चल के अभी अपने कहीं पे अच्छी जगह देख के लोकेशन में वहाँ पे रुक के डिटेल में बात करते हैं। मैं ड्राइविंग में अगर बात करूँ तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है गाड़ी। और हाई स्पीड पे हालांकि मुझे थोड़ा लगता है कि ब्रेजा मुझे ज़्यादा स्टेबल लगती थी इससे कंपेरिजन में। अब ये लोगों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने 3 साल उस गाड़ी को चलाई, इसकी ब्रेकिंग लगाता हूँ तो सम टाइम्स गाड़ी इधर उधर ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी ऐसी मालूम पड़ती है। एंड बाकी ड्राइविंग में स्टेयरिंग फीडबैक बहुत लाजवाब है, बेहतरीन है। माइलेज की बात करूँ तो अभी देखिए कितना शो कर रही है, माइलेज 14 से ऊपर कभी यहाँ पे गया ही नहीं है। माइलेज का वापस से अपन टेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा। एंड कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, फर्स्ट सर्विस में जनरल चेकअप होता है, ऑयल वगैरह देखते हैं, वाटर फिल्टर देखते हैं और ये फिल्टर वगैरह चेक करते हैं, कुछ कम होता है तो उसमें एड ऑन करते हैं और उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है कोई। तो 9 बजे हम आए थे और लगभग अपने को 12:30 बजे गाड़ी मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाता है, कोई वैसा नहीं है। क्लीनिंग की बात करूँ तो क्लीनिंग भी अपने हैदर भाई मिले थे, उन्होंने सब कुछ किया, सर्विस करवाया, दो थोड़ा बहुत बाकी था अंदर का तो वो मैंने जब बोला तो उन्होंने वापस से दोबारा वॉश करवाई थी। माइलेज ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, कैसे रोड है, कैसी ड्राइविंग है आपकी, किस तरह से चलाते हैं। एंड अगर ब्रेकिंग बहुत शानदार है, ब्रेकिंग बहुत लाजवाब है सही में, मतलब बारिश में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की, हाईवे पे ही अभी चला रहा हूँ तो ये NH48 है तो इस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेकिंग का और सस्पेंशन वो सब का, राइड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी पे चलाने पे थकान नहीं लगता है, वो सब कंप्लीट अच्छा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आफ्टर सर्विस लगने वाली है, क्लीन हुई है गाड़ी फॉर्म कंप्लीट अंदर से बाहर से। और ब्लैक कलर का यार बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लगता है मैं लेके पछता रहा हूँ, कितना भी इसको क्लीन करो, आप अभी गाड़ी धोइए, शाम को आपको 1-2 घंटे के बाद गाड़ी देखोगे ना इतना गंदा मिलेगा, इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। लिटरली अगर दूसरी गाड़ी मैं पसंद लूँगा तो ब्लैक कलर तो डेफिनेटली अब नहीं ही लूँगा। तो पहले आउटर पे देखिए कुछ इस तरह से, अभी जस्ट गाड़ी वॉश होके आई है और 2 बार वॉशिंग हुई है, उसके बावजूद देखिए थोड़ा सा हाईवे पे चली है और ये देखिए ये हालत हो गई। तो ब्लैक कलर में ये एक दिक्कत बहुत रहती है, गाड़ी कुछ इस तरह से लुक है अपना। अब अंदर का दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो क्लीनिंग वगैरह काफ़ी सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस अच्छा है, फर्स्ट सर्विस था और एक दो कंप्लेन की थी मैंने तो वो बाद में सॉल्व करके उन्होंने दे दिया। तो अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ इस गाड़ी के साथ में। माइलेज मुझे कभी भी 14.4 से ऊपर का आया नहीं है अभी तक,
अब ये जनरल चेकअप वगैरह हो गया है तो देखते हैं, अभी उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है, बस ऑयल वगैरह, फ्यूल ऑयल और ये इंजन ऑयल ये सब चेक हुआ है, वाटर वगैरह ये सब, तो ब्रेक ऑयल वगैरह ये सब चेक हुआ है और एड ऑन हुआ है, और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ब्रेकिंग इस गाड़ी में जो मुझे जो फील हुआ है, ब्रेकिंग बहुत लाजवाब है, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ब्रेकिंग में। हाईवे पे हो गया, वारिस में हो गया, कोई भी हो गया, कहीं भी हो गया, तो ब्रेकिंग में, क्योंकि दोनों में चारों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाइट गाड़ी का अच्छा अच्छा है, व्हीलबेस अच्छा है, तो कहीं पे ग्राउंड क्लियरेंस में भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो, ख़राब रोड पे और ख़राब रास्तों पे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस गाड़ी के साथ में अभी हमें लगभग 1.5 महीना जैसा हो गया है, और 2000 किलोमीटर कम्प्लीट चल गई, 2100 जैसा होने वाली है, और अभी तक कोई दिक्कत ऐसा फील हुआ नहीं है। और इसमें दो कुछ काम कराना बाकी है, जो कि हमने बताया था, अभी अब फ्री हुआ हूँ तो 1-2 दिन में उसके लिए भी चलते हैं। इंटीरियर और इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने बहुत जुगाड़ के लगाया है, लेकिन नहीं मिल रहा है, AX5 वाला तो जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं अगर एट द लास्ट अगर नहीं होगा तो फिर अपने कोई पुराना जो नॉर्मल एंड्रॉयड चलते हैं उनमें से किसी में से कुछ डलवाएंगे। तो एक्सपीरियंस सर्विस का काफ़ी अच्छा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग बोलते हैं इतना ख़राब सर्विस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा की इसमें कोई गलती नहीं होती है, जो वहाँ पे सर्विस करने वाले लोग होते हैं या फिर जहाँ पे डीलर्स हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कहीं कहीं, बाकी ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक थार रॉक्स का भी वीडियो शूट किया है, जब तक इस पर सर्विस हो रही थी थार रॉक्स के वीडियो शूट कर लिए हैं, 2-3 टेस्ट ड्राइव के भी, और ये वैसे भी, तो वो भी आपको लेने में मिलेंगे। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी पे कोई भी आपको कम चार्ज नहीं करना है, फर्स्ट सर्विस पे कंप्लीट जैसी गाड़ी आप लेके जाओगे वैसे थोड़ा बहुत जो चेकअप, जनरल चेकअप करके अंडर बॉडी देखते हैं, नीचे से पूरा वो देखेंगे, और अंदर का इंटीरियर इलेक्ट्रिकल जो भी पार्ट्स है वो सब चेक करेंगे, ऑयल वगैरह जो जहाँ जो कुछ पड़ता है वो चेक करेंगे, उसके अलावा कुछ चेक होता नहीं है और ना ही कुछ चेंज होता है। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग थे और भी आई हुई थी, उनको कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं आवाज़ आ रहा है, नॉइस आ रहा है, तो जो स्पेशल अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो वो सॉल्व करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, तो वो पूछते हैं। बाकी अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं, अभी तक ज़्यादा चली नहीं है। तो अगर बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की और मेरा जो भी इस गाड़ी के साथ में अभी तक रहा है, माइलेज में थोड़ा है, क्योंकि माइलेज इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो इतना ही देती है। मैंने ब्रेजा 3 साल चलाई है, जिसके पहले टाटा टिगो डीजल में थी, हालांकि उसका माइलेज अच्छा था, बट पेट्रोल इंजन में सेम सेगमेंट की गाड़ी सेम माइलेज ही देती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड अगर मेरा ओपिनियन मैं बताऊँ आप लोगों को, तो अगर आपको इस ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, जल्दी डिलीवरी मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, तो इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती, आप इसमें थोड़ा सा खर्चा करवा दोगे। बाहर से जब मैं सर्विस कराने गया था, उस बंदे को नहीं बताता ये कौन सा वेरिएंट है, बोलता सर कौन सा वेरिएंट है, तो जब अंदर घुसा, जब अब क्योंकि अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगा है, अगर ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स और इंटीरियर हो जाएगा तो कोई बंदा बोल ही नहीं सकता ये MX1 है। और अपने इसीलिए मैं AX5 वाला उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ढूंढ रहा था, बट यार नहीं मिल रहा है, बहुत जुगाड़ लगाया। मैंने शोरूम में भी बात किया, मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा ले लो, तो बोल रहे हैं सेटिंग उसके अंदर जो उस सेगमेंट उस इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो वायरिंग वो सब होता है वो उसमें नहीं कर सकते हैं, या कर भी देंगे तो कैमरा का प्रॉब्लम आ गया, कैमरा इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, उसमें वर्क नहीं करेगा, ऐसा वगैरह बोल रहे। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ मिलता है, सोल्यूशन मिलता है तो करेंगे अपन, नहीं तो फिर जो एंड्रॉयड आते हैं वो तो करवाएंगे ही। टॉप मॉडल लगी रही है, बस 1-2 है स्पॉइलर बाकी है, वो अपने करवा लेंगे, अभी कैमरा वगैरह वो सब लगवाना है। तो ब्लैक कलर हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन गंदा बहुत होता है, मेंटेनेंस आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। मैं इस गाड़ी से थक चुका हूँ लिटरली 1 महीने के अंदर, अभी आपने वॉश की, क्लीन किया, 1 घंटे के बाद आप इस गाड़ी को देखोगे, धूल मिट्टी दिखेगा ही, देखिए आप ये देखिए, आपको पता ही चल रहा होगा, ये देखिए उंगलियाँ मैंने की, तो ये देखिए ये गाड़ी अभी शोरूम से 2 बार वॉश होके आई है, तो ये प्रॉब्लम तो है ब्लैक कलर के साथ में। कोई भी खर्चा नहीं आता सेकंड सर्विस पे, 2000 पे सर्विस होती है, सेकंड सर्विस अब 10,000 पे आएगी। अब अपन इस गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट और सब करेंगे, ऑफ रोडिंग पे भी जाएंगे, और ये सब कंप्लीट आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, कंटिन्यू मिलने वाले हैं, अब गैप नहीं होने दूंगा, ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि सब शेड्यूल अभी इसके लिए भी टाइम थोड़ा देना स्टार्ट करेंगे अपन। और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए MX1 का या थार रॉक्स के रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो मुझे कमेंट डाउन करना और बताना,
तो मैं उस पर वीडियो कवर करने का ट्राई करूँगा। और कहीं भी कुछ भी कुछ मेरे से छूटता है या कुछ बोल जाता है फ्लो में तो वो इग्नोर करना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी अपने कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार बनाए रखना, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।